पंजाब टीवी में मैं शिप्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूं लुधियाना के मत्तेवाड़ा एरिया के जंगलों में, जहां आप देख सकते हैं कि आपने काफी दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि इस मत्तेवाड़ा जंगल के आसपास एक इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की तैयारी में यहाँ की पंजाब गवर्नमेंट तैयार है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा एरिया एक पूरा जंगल में ही है। ये पूरा जंगल का एरिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं, और स्पेशली लुधियाना से और आसपास के लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एक पॉल्यूशन वाले एरिया से बाहर आके वो जंगलों में आते हैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, एक पिकनिक मनाने के लिए। अब हम यही चाहते हैं कि इन फॉरेस्ट का संरक्षण हो, क्योंकि हम देख सकते हैं जिस हिसाब से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। असी वाहुने तो सानू करजा कोई देंदा भी साढ़े छः महीनों बाद मुड़ आना आ। जदों किसी नूं लगेगा भी ये साढ़ा करजा नहीं मुड़ना, ये फिर देख लो भी असी हुण मेहनत मजदूरी नाल किवें सार सकते हाँ। हुण असी जदों अपनी करन लगांगे दुबारे घर तो शुरू होवांगे ना, तो इस तो मरना बेहतर समझांगे, जां सरकार नाल लड़ के ते जां कुछ होर कर लांगे असी। ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 956 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ, ਕੁਛ ਆਲੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਡ ਫਾਰਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ 27 ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਾਲ ਕਿਆਣਾ ਇਹਦਾ ਹੈ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ 956 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਸਥਾਨੀਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨਸੇ ਹਮਨੇ ਬਾਤ ਕੀ, ਕਈ ਮਹਿਲਾਏ ਹੈ, ਕਈ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਜਾਏ। Thank you.